अरविंद केजरीवाल 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के पद पर बने हुए हैं और दिल्ली की सत्ता को तिहाड़ जेल के भीतर से ही चलाए जा रहे हैं। उनके आलोचकों ने कहना शुरू कर दिया है कि वे सत्ता के सिंहासन से जुड़े लालच से खुद को अलग नहीं कर पा रहे हैं, जबकि आप समर्थक इसे दिल्ली सीएम के संघर्ष के तौर पर प्रचारित कर रहे हैं। इस बीच सबसे ज्यादा चर्चा इस बात को लेकर है कि अरविंद केजरीवाल ईडी की जांच में सहयोग नहीं कर रहे। उन्हें लेकर कोर्ट में ईडी की ओर से पहले भी बताया गया था कि वे जानकारियों को लेकर रिजर्व बने हुए हैं, जबकि उन्होंने मोबाइल फोन की जांच के लिए पासवर्ड भी नहीं बताया है। इस तरह से ये बातें उनके बेल के रास्ते में बड़ा रोड़ा अटका सकती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि जेल में उन्हें लंबा समय बिताना पड़ जाए, साथ ही उनकी कई दूसरी परेशानियां भी बढ़ सकती हैं। पहली परेशानी पार्टी के दूसरे नेताओं से जुड़ी हो सकती है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी की ओर से पेश हुए एएसजी राजू ने एक बड़ी चौंकाने वाली बात कहते हुए कहा कि केजरीवाल ने पूछताछ के दौरान आप नेता आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम लिया है। उनके मुताबिक अरविंद केजरीवाल ने पूछताछ में कहा कि नायर उन्हें रिपोर्ट नहीं करता था, बल्कि वो आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। इस आधार पर आगे आतिशी और सौरभ भारद्वाज पर भी ईडी का शिकंजा कस सकता है। अरविंद केजरीवाल की दूसरी परेशानी सीबीआई बढ़ा सकती है। ऐसी संभावना बनती दिख रही है कि ईडी की पूछताछ खत्म होने के बाद हो सकता है सीबीआई उन्हें पूछताछ के लिए अपनी हिरासत में ले ले, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किए जाने का ग्राउंड सीबीआई की रिपोर्ट के आधार पर ही तय हुआ था। उसी ने पहले केस दर्ज किया था, उसी के केस के आधार पर आगे चलकर ईडी ने भी केस दर्ज किया था। अरविंद केजरीवाल की तीसरी परेशानी पार्टी में बिखराव की संभावनाओं से जुड़ी हुई है। अरविंद केजरीवाल जुडिशियल कस्टडी में हैं। वे तिहाड़ जेल से सरकार तो चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इससे जुड़ी परेशानियां छिपाई नहीं जा सकती। पार्टी वर्कर्स से लगातार दूर बने रहने और खुद सीएम के ही जांच के दायरे में आने से पार्टी कार्यकर्ताओं के मनोबल पर इसका असर पड़ सकता है। ऐसे में पार्टी में उनकी आस्था भी प्रभावित हो सकती है। लिहाजा अरविंद केजरीवाल के लिए जरूरी होगा कि वे पार्टी समर्थकों का विश्वास बनाए रखने की प्रभावी कोशिशें करें। अरविंद केजरीवाल की चौथी परेशानी पार्टी के कुछ दिग्गजों से जुड़ी हो सकती है। दरअसल ये बात चर्चा में इस वजह से आई क्योंकि एक ओर अरविंद केजरीवाल तिहाड़ में बंद हैं, तो दूसरी ओर स्वाति मालीवाल अमेरिका तो राघव चड्ढा जैसे दमदार नेता लंदन में हैं। लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि जिस समय उनकी पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच सबसे ज्यादा आवश्यकता है, वे विदेशों में बैठे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल की पांचवी परेशानी दिल्ली सरकार को चलाने से जुड़ी दिख रही है। दरअसल अरविंद केजरीवाल जेल में होने के बावजूद बतौर सीएम सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक सीएम को जिस तरह से एक्टिव रहना और अधिकारियों के साथ बैठकें आदि करना चाहिए, उस तरीके से वे सक्रिय नहीं रह पा रहे। इससे जाहिर है सरकार के कामकाज पर कुछ हद तक प्रभाव जरूर पड़ ही रहा होगा। अगर वे जल्दी बाहर नहीं आते तो क्या सब ऐसे ही चलता रहेगा? ये सवाल भी गूंजने लगे हैं। लिहाजा इस पर केजरीवाल सरकार को गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप लगातार बने रहें NBT ऑनलाइन के साथ।